हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड टॉप। सो गाइस, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के रीसेंट एपिसोड में फाइनली भोगीलाल की सच्चाई सामने आ चुकी है। रीसेंट एपिसोड में जब सुंदरलाल जेठलाल के मना करने के बाद अपनी पार्टी को कॉल करता है तो कॉल पर दूसरी ओर बोलते हैं भोगीलाल, जिन्हें जेठलाल, सोडी, भिड़े ये सभी लोग पहचान लेते हैं कि कॉल पर दूसरी ओर कोई और नहीं बल्कि भोगीलाल बात कर रहा है। और वही सब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जेठलाल इतनी आसानी से भोगीलाल को माफ कर दे ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ओर यहाँ पर भोगीलाल के पास जेठलाल को देने के लिए पैसे नहीं है तो वही दूसरी ओर भोगीलाल जेठलाल की करोड़ों की जमीन खरीदने के लिए भी रेडी हो चुका है। बात साफ है कि अब तक भोगीलाल जेठलाल की अच्छाई का फायदा उठाकर उसे परेशान कर रहा था और जेठलाल इतना परेशान हुआ कि उसे अपनी बचाव की प्रॉपर्टी सेल करने तक की बात आ गई। वेल गाइस, इस समय पर जेठलाल के दादा ने जमीन को ना बेचने की बात बोलकर बिल्कुल सही किया, क्योंकि अगर जेठलाल जमीन बेचने के लिए निकल जाता तो हो सकता है कि यहाँ पर एक बार फिर से भोगीलाल के चक्कर में फंस जाता, क्योंकि भोगीलाल चालबाजी करके जेठलाल से किसी न किसी तरीके से उस जमीन को परचेस कर ही लेता।